यदि मैं कहूं कि अब महज 30 डेज ही आपके लिए बचा है बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कंडक्शन है उसको लेकर, तो आप चौंक जाएंगे। चाहे आईसीएसई क्लास 10th हो, आईएससी क्लास 12th हो या सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन, टोटल टाइम को काउंट कर दीजिए। आपको एक से ज्यादा प्री बोर्ड देने हैं, मान लिया जाए स्कूल ने एक ही प्री बोर्ड कंडक्ट किया, बावजूद इसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और अन्य सारे प्रोसेस को पूरे करने हैं, स्कूल जो प्रोसीजर पूरा करता है, एडमिट कार्ड, यूनिक आईडी, फिर इंडेक्स नंबर, इन सब के वेरिफिकेशन के अलावा जितना जो स्कूल का प्रोसेस है उसको करने के बाद स्टूडेंट को कब स्कूल रिलीज करेगा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, और स्टूडेंट कब सेल्फ स्टडी करेगा। अभी तो स्कूल का प्रोसेस है चल रहा और इसमें आपको स्कूल जाने ही जाने, आखिर इस स्कूल जाने के दौरान आपके पास कितना समय बचता है सेल्फ स्टडी के लिए, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, महज 4 आवर अ डे मैक्सिमम 5 आवर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास ज्यादा समय नहीं बचता है, स्कूल की अपनी पढ़ाई है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जो ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन होती है या ऑफलाइन जो भी है वहां पर समय कंज्यूम हो रहा है। तो एक्चुअली में जब स्कूल स्टूडेंट को रिलीज कर देगा क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, और स्टूडेंट अपने मन से सेल्फ स्टडी करने लगेंगे 12 आवर 15 आवर 20 आवर भी मान लेंगे आउट ऑफ 24 आवर, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, तो उस समय का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जब सभी सब्जेक्ट मैनेज करना होगा। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन क्लोज होता है स्टूडेंट पर प्रेशर बढ़ता है कि वो क्या करे न करे, इसलिए अभी से जो समय है वह बताता है कि अपनी स्कूली जो स्टडी पीरियड है स्कूल जाने के दौरान, आने के बाद, अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन के बाद किस तरह से मैनेज करने हैं। तो उसके लिए आपको 2 स्पेल बांटने होंगे, मॉर्निंग स्पेल और नाइट के स्पेल। अच्छी नींद भी लेनी जरूरी है, अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो क्लास में सो रहे होंगे, कोचिंग में सो रहे होंगे या ट्यूशन में सोएंगे, स्वाभाविक है आपका बॉडी आपके नींद को पूरा करेगा ही करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए या अच्छा तरीका क्या है, तो अब समय आ गया है कि आप मॉक टेस्ट की तैयारी में लग जाएं या मॉक टेस्ट को शुरू कर दें। मॉक टेस्ट बोले तो मतलब आप एक सैंपल पेपर एक दिन में जरूर बनाएं, चाहे मॉर्निंग स्पेल में या इवनिंग स्पेल में, और इसको एक अच्छे टीचर से चेक करवाना। याद रखें केवल सैंपल पेपर ही बना लेना सबसे अच्छी बात है, ऐसा किसने कहा। बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि एक दिन में 65% और 15 डेज में 95%, ऐसा अक्सर नहीं होता है, यह एक भ्रम है। स्टूडेंट के लिए जो 3 बातें यहाँ पर याद रखनी है कि फर्स्ट आपको स्कूल जो प्रोसेस है स्टडी के, इसके बाद टाइमिंग निकालने होंगे, तो मॉर्निंग और इवनिंग में से टाइम निकालें। मॉर्निंग में 2 आवर, इवनिंग में 3 आवर, मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट, इवनिंग में 2 सब्जेक्ट, आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इवनिंग में ले लें, मॉर्निंग में जितने मेमोराइजिंग करने के हैं, रिवाइज करने के हैं, उसको कंप्लीट और दुरुस्त करें, और इवनिंग में मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी हो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ उसमें प्रैक्टिस करने की हो उसको करें। हाँ, स्कूल जाते समय जानने की जरूरत है कि कुछ पीरियड गैप हो जा रहे हैं, गेम के पीरियड हो जा रहे हैं या ऐसे पीरियड हो रहे हैं जहां पर आपने मानते हैं कि तैयारी थोड़ी सी आसानी से हो जाएगी, तो वहां पर आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और इन बातों को भी याद रखना है। इसी के साथ जो भी कोचिंग ट्यूशन है वो उसको एग्जाम ओरिएंटेड करना है, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब मार्क्स ओरिएंटेड, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे जो सिलेबस में है, सिलेबस के सिलेक्टेड पॉइंट, जिन टॉपिक से लास्ट 5 ईयर 6 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और मान जाते हैं कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। मैं अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहा हूँ, बावजूद इसके आपको देखने हैं कि एक्चुअली में कहां पर द बेस्ट स्पीलिंग और अटैकिंग चैप्टर्स है, इवन मैथमेटिक्स में होते हैं, फिर आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, सारे स्ट्रीम, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कोई भी क्लास 12th क्लास 10th सबके लिए अप्लीकेबल यह एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रूल है कि टाइम को निकालने के साथ अभी पढ़ेंगे तो जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद स्कूल आपको रिलीज कर देगा, जाइए आप घर पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तो महज 24 डेज से 30 डेज का टाइम मिलता है। उस समय आपके पास बचेंगे कुछ पार्ट जिनको रिवाइज करना होगा 95% के लिए। अभी से कोई कह देगा कि आपके 95% 98% आ जाएंगे, तो यह एक विलो थम्स अप है। यहाँ पर याद रखनी है कि किस तरह से कौन से टेक्निक लगाने हैं कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ लिया जाए, कवर भी कर लिया जाए, और इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रत्येक चैप्टर से रिवाइज करनी है, और जो मोस्ट स्कोरिंग मार्क्स आपको फेच करेंगे वे पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि वे एट द स्ट्राइक होते हैं। ये बात सीआईएसई भी जानती है और सीबीएसई भी, कि स्टूडेंट के लिए कुछ सेफ जोन होते हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, लेबोरेटरी के वर्क है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, वहां पर से क्वेश्चन को अक्सर डाले जाते हैं हर 1 ईयर 2 सेकंड ईयर अल्टरनेटिव वे में, तो
यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना। सीआईएससी के जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न हमारे क्वेश्चन उनके आंसर को एज इट इज दिया गया है। अनसर सैंपल पेपर को पढ़ा हूं मैं, देखा हूं, तो वहां पर जो वर्ड लिमिट है क्रॉस करता है, इसमें वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। तो यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके परचेज करते हैं तो काफी मदद मिल जाएगी। बने रहिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके।